हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है तथास्तु और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो किसी भी न्यू ई कॉमर्स सेलर को फेस करनी पड़ती है। जब भी उन्हें कोई ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर अगर कैश ऑन डिलीवरी का होता है तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम उसका पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ क्विकली और टाइमली डिलीवरी कैसे प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस बहुत बूम कर रहा है। लोग अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट से, उसके साथ साथ व्हाट्सएप और अलग अलग माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर भी करवा रहे हैं और कैश ऑन डिलीवरी के पेमेंट भी कलेक्ट कर रहे हैं। इंडिया में मल्टीपल एग्रीगेटर्स भी है, मल्टीपल लॉजिस्टिक पार्टनर्स भी है। अब एग्रीगेटर्स की अगर बात की जाए तो एग्रीगेटर्स यानी कि वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो मल्टीपल कूरियर लॉजिस्टिक पार्टनर्स जो होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके आपको एक मल्टीपल ऑप्शंस देती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम किसी कंपनी से डायरेक्ट पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें हमारे को कस्टमर सपोर्ट एक बहुत अच्छा फैक्टर जो है वो मिल जाता है, प्राइसिंग जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती है, कस्टमर्स को ट्रैकिंग डिटेल से लेकर टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, इसके साथ साथ जब कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो उसकी डिटेल भी जो है हम तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ अगर हम एक कंपनी से डायरेक्ट डील करते हैं, एक डायरेक्ट पार्टनरशिप करते हैं तो उससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब ये तो बात हुई आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट की, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास अगर हम ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आ जाता है अमेज़ॉन का सेल्फशिप। आप जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर हमने बहुत सारे अमेज़ॉन के सेल्फशिप के, ईजी शिप के और वीडियोज़ बना रखे हैं। यह एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि Amazon का सेल्फशिप आपको ऑप्शन देता है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करवा सकते हैं। अगर आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, लेकिन Amazon के ऊपर आपको सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स नहीं आते हैं अगर आप सेल्फशिप करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी एग्रीगेटर के थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस चूज करते हैं, किसी के मल्टीपल अलग अलग कूरियर कंपनीज के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि कोई हमें कम प्राइस में प्रोडक्ट डिलीवर करवा रहा है, कोई ज़्यादा प्राइस में प्रोडक्ट डिलीवर करवा रहा है। अब इसमें जो माइनस पॉइंट ये होता है कि अगर कस्टमर को टाइमली डिलीवर नहीं हुआ, क्विकली डिलीवर नहीं हुआ, तो कस्टमर अमेज़ॉन को कॉन्टैक्ट करता है और अमेज़ॉन हमको कहता है कि आपने अभी तक कस्टमर को डिलीवर क्यों नहीं कराया। फिर हम इन एग्रीगेटर्स को कहते हैं और ये एग्रीगेटर्स क्या करते हैं, उन लॉजिस्टिक कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर वो लॉजिस्टिक कंपनीज अपनी डिटेल्स इन एग्रीगेटर्स को देती है और एग्रीगेटर्स हमको ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो टाइम वेस्ट होता है ना, उस टाइम को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट एक अच्छी लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ जो है ना वो टाइप करें, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कस्टमर को सेल्फ शिप के माध्यम से जल्दी डिलीवर करवा सकें और उसकी प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी जो है वो ले सकें। इन केस प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर नहीं होता है तो जो RTO, जिसे रिटर्न टू ऑरिजिन कहते हैं, वो भी हमें टाइमली वापस जो है डिलीवर हो सके हमारे वेयर हाउस पे। और अगर कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो भी जाता है और कस्टमर इन केस उसको रिटर्न करना चाहता है, सिर्फ अमेज़ॉन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी, तो आप रिवर्स पिकअप करवा सकते हैं, कस्टमर से जो है प्रोडक्ट वापस मंगवा सकते हैं और ये सारी सर्विसेज आप अपनी खुद की वेबसाइट पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अमेज़ॉन पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के साथ एक डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो रिसेंटली मैंने भी एक सर्विसेज का यूज़ लिया है और वो है डिलीवरी वन। डिलीवरी वन आपको बहुत सारे फीचर्स देगा, उस सभी फीचर्स के बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनके पास बहुत अच्छी और रिलायबल और उसके साथ साथ फास्ट एंड क्विक डिलीवरीज के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको मैं डैशबोर्ड पे ले जाऊंगा और सारी चीज़ वन बाय वन, जैसे कि फीचर्स, रेट कैलकुलेटर, इनके क्या क्या ऑप्शंस हैं, सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा सो दैट आपको इजीली समझ में आए। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं चल के डिलीवरी वन का डैशबोर्ड जो है उसे एक्सप्लोर करते हैं और उनके मल्टीपल ऑप्शंस को देखते हैं। सो सबसे पहले आपको one.delivery.com टाइप करना है अपने ब्राउजर के अंदर, फिर आपके सामने ये पोर्टल खुलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड डालना है। मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ये इसके फीचर्स की बात की जाए तो 99.5% इंडियन पॉपुलेशन को ये कवर करता है। COD रेमिटेंस 2 दिन के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आपको मिल जाता है। इंटरनेशनली करीब 220 कंट्रीज़ में ये जो है शिप होता है और
इंटीग्रेटेड विद सेल्स चैनल्स इन वन क्लिक। आरटीओ जो है वो भी आपके करीब करीब 40% तक आप जो है प्रेडिक्ट करके आरटीओ प्रेडिक्टर और एड्रेस वैलिडेशन के माध्यम से आप करीब 40% रिटर्न्स जो है उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं लॉग इन करता हूँ और आपको डैशबोर्ड बताता हूँ कि इसका डैशबोर्ड कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा इसका डैशबोर्ड होता है। यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर जो है टू बी शिप्ड हैं, एनडीआर क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। परफॉर्मेंस जो है उसका डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपके कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं एवरीडे, क्या ग्राफ रहता है, कितने पिक्ड हो गई, सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगी। ये सारे के सारे इसके मेन्यूज हैं, ऑर्डर एंड पिकअप, एक्सेप्शंस एनडीआर, फाइनेंसेस, सपोर्ट, डिस्प्यूट्स, रिपोर्ट्स, इन्फॉर्मेशन सेंटर, सर्विसेज एंड सेटिंग्स। देखो यहाँ से आप सारे के सारे जो है अपने फंक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो आपको ऑर्डर्स एंड पिकअप में आना है। यहाँ पर आप फॉरवर्ड ऑर्डर्स के माध्यम से आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ से कस्टमर तक डिलीवर कराना है तो वहाँ यहाँ से सेटअप होगा। एक बार आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे तो आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा। रिवर्स यानी आपको कस्टमर से वापस अगर प्रोडक्ट मंगवाना है वो। इंटरनेशनल ऑर्डर्स और पिकअप रिक्वेस्ट यहाँ से मैनेज होगी। अब उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है रेट कैलकुलेटर। तो आप उसके लिए डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको जो है रेट कैलकुलेटर पर आना है। रेट कैलकुलेटर पर आप क्लिक करेंगे तो अब जैसे सपोज करो आपको कोई ऑर्डर आपका जो है वो 500 ग्राम का है। यहाँ पर अगर मैं पिकअप पिन कोड डालता हूँ 400067 जो कि महाराष्ट्र का है और अगर मुझे इसे चेन्नई जो है डिस्पैच करना है तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 600001। ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु का है। तो 500 ग्राम्स का ये सरफेस से 54 और एक्सप्रेस से 68.44 रुपीज़ के अंदर जो है आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा। वैसे इसकी जो प्राइस है वो 58 रुपीज़ है प्लस 10 रुपीज़ इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। तो ये जो प्राइस आपको दिख रही है ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है और ये बाय एयर जाएगा और उसके साथ साथ सरफेस जो है वो यहाँ पर जाएगा। तो इधर से आप जो है प्राइस भी मैनेज कर सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का है वो कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शंस भी यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बात की जाए अगर सर्विसेज की तो आप यहाँ से सर्विसेज पे आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं डोमेस्टिक पार्सल हो गया, B2B कार्गो हो गए, क्रॉस बॉर्डर यानी कि अगर आप इंटरनेशनल शिप करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। फुलफिलमेंट यानी जैसा कि मैंने बताया Amazon FBA जो वेयरहाउस है उसी तरीके से अगर आप अपनी खुद की इन्वेंट्री किसी अलग जगह पे मैनेज करवाना चाहते हैं आपकी खुद की वेबसाइट के लिए तो वो भी जो है यहाँ पर ये बहुत जल्दी कमिंग सून बता रहा है, ये फैसिलिटी भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और चैनल इंटीग्रेशन जो है ये भी यहाँ पर इसके माध्यम से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसा कि बिगनिंग में मैंने बताया था आप इसको Shopify से भी कनेक्ट कर सकते हैं, WordPress से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल भी जो है वो शिप कर सकते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं Amazon के अलावा ये दोनों चीज़ें भी जो है बहुत काम की है। आप Shopify के ऑर्डर डायरेक्ट आपको यहीं पर रिफ्लेक्ट होंगे अगर आप इसको कनेक्ट कर लेते हैं, आपके सारे ऑर्डर्स यहीं फैच होकर जो है डिस्प्ले होने लग जाएंगे और आपकी WooCommerce यानी कि WordPress पे जो आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है उसकी भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी और आप यहीं से अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हैं। अफोर्डेबल है, एक बहुत ही अच्छी वेल नोन और रेपुटेड कंपनी है और मैं खुद इसकी काफ़ी सर्विसेज ले चुका हूँ और मैंने डिलीवरी से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं खुद के लिए। काफ़ी टाइम तक मैंने इसकी सर्विसेज यूज़ में ली है तो मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसको आप यूज़ में ले सकते हैं और इसकी सर्विसेज को आप जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और खुद ही अपने डैशबोर्ड से सारा अकाउंट जो है वो मैनेज किया जा सकता है बहुत ही ईजी वे में। सो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी डिटेल्स मिली होगी। अगर आप साइनअप करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से भी साइनअप कर सकते हैं और इनके साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।